नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सजेशन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड के बारे में वैसे तो खैर आपको बहुत सारी वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी कि किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसका बनाने का तरीका क्या क्या है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारे जो हैं कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी आधार कार्ड बनवाने में या फिर उसमें कुछ अपडेट करने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसे में ही मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आता हूँ और उस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा उसकी जो भी उसके छोटी मोटी क्वेरीज हैं वो मैं आपको अच्छे से उसको क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपको जो है इस आधार कार्ड को, समझ रहे हैं आप, यह आधार कार्ड आपको किस तरह से जो है, बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई अपना वैलिड प्रूफ नहीं है। जैसे कि अक्सर एक माना जाता है ना कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो इसके लिए क्या है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या राशन कार्ड या कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश वो खो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है तो आप आधार कार्ड अपना किस तरह से बनवाएंगे, ठीक है। तो आपके आधार कार्ड को किस तरह से बनवाने का जो तरीका है उस तरीके को मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी बातें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि तो एक बार आपने अगर ये बात समझ ली तो मुझे लगता है कि आपका आधार कार्ड बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मैं अपने वीडियो की तरफ चलता हूँ और आपको थोड़ा इसके बारे में जो है स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आजकल जो है आधार कार्ड के जो बिना है कोई भी काम जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बैंक खाता है, बैंक खाता खुलवाने से लेकर को ट्रेन का सफर करना है, हर जगह आधार कार्ड एक मान्य पहचान पत्र जो है बन चुका है। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं बनवाया है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराए नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, आप तब भी अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके बाद भी आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो। अब वो किस तरह से बनवाना है ये मैं आपको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राइवर के आधार कार्ड बनवाने के लिए जो जो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं वो क्या, यानी इसके लिए जो है मानक जो चीज़ है वो क्या है, यानी क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है हमें आधार कार्ड बनवाने के लिए। सबसे पहले तो ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि अपना कोई भी आईडी प्रूफ, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड वगैरह, ठीक है। अगर ये आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, सपोज कीजिए आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप आधार कार्ड कैसे बनवाएंगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके मैं आपको आज बताऊंगा कि आधार कार्ड बनवाने के जो हैं दो तरीके वो आपको किस तरह से आधार कार्ड बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी भाई लोग हैं इस तरह के उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इसका कुछ फ़ायदा या लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इसका तरीका नंबर एक मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार के मुखिया जो होते हैं, जिसके नाम से राशन कार्ड बना होता है या जो भी घर के मुखिया होते हैं, अगर आपके परिवार में हेड ऑफ फैमिली या परिवार के मुखिया का आधार कार्ड बना हुआ है, सपोज कीजिए जैसे कि एक परिवार के अंदर 5 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं, चाहे अब उनमें माता पिता, उनके बच्चे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए अगर वाइफ का नहीं है, हस्बैंड का है, यानी कि माँ का नहीं है, पिता का है, तो आप पिता का यूज़ कर सकते हो, या पिता का नहीं है, माँ का है, तो माँ का यूज़ कर सकते हो, या बच्चों में से किसी का बना तो बच्चे का, यानी फैमिली में या उनके दादा दादी किसी का भी, समझ गया मेरी बात आप, यानी कि परिवार में किसी भी एक फैमिली के अंदर एक आदमी का आधार कार्ड आप अरेंज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कीजिए तो आपका वो आधार कार्ड बनने में मदद मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। परिवार के मुखिया का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इस आधार परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड बन सकता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति का अगर आधार कार्ड अगर आप आपके घर में परिवार में के अंदर किसी का बना हुआ है तो आप बाकी सभी लोगों का आधार कार्ड उसी के तहत, उसी के जरिए आप बाकी लोगों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। UIDAI परिवार के मुखिया से है, आपके साथ रिश्ते का प्रूफ मांग सकता है, ठीक है, यानी कि आपके जो
जो AITIO इस ये फर्म जो इसका आधार कार्ड जो बनाती है या इसके जो इनको लॉन्च करती है इन आधार कार्ड्स को, ठीक है, जो इसकी वेरिफिकेशन करती है, वो ये कहता है कि आपके परिवार में किसी भी एक बंदे का जरूर होना चाहिए, यानी परिवार में किसी का भी, ठीक है। अगर फैमिली से आपका कनेक्शन रिलेशन है तो रिलेशन को आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारा ये रिलेशन है इस व्यक्ति के साथ, और इस तरह से मेरा ये आधार कार्ड मेरा बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पहला तरीका आपका, तो ये उसको वेरिफिकेशन उसका किया जाएगा, और उसके बाद फिर कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के बाद आपका आधार कार्ड बन के तैयार हो सकता है। तरीका नंबर दो मैं आपको बताता हूँ कि तरीका नंबर दो है, अगर आपको ये बात तरीका समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि आपके परिवार के अंदर किसी एक व्यक्ति का होना, आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपके घर में अगर या तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर कोई ऐसा वेरिफिकेशन हो वो हो तो आप उसके जरिए कर सकते। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो आप किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति का आधार कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसके जरिए आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीके की तरफ हम बढ़े, अब मान लीजिए आपके जो परिवार के अंदर जो कोई व्यक्ति हैं या जो मुखिया हैं उनका भी अगर आधार कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए नजदीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है, आधार इनरोलमेंट सेंटर। यहाँ पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद से आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो। आपको इसके लिए नजदीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर जाना होगा, यहाँ पर मौजूद प्रोड्यूसर की इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं। रजिस्ट्रार इन इंट्रोड्यूसर को नोटिफाई करता है, इसका आधार नंबर वैध होता है, इंट्रोड्यूसर को UITAI के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से तैनात किया जाता है, मतलब वह प्राइवेट होते हुए भी सरकारी आदमी की तरह ही काम करता है। आधार सेंटर पर सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 90 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड दिए गए पते पर डाक के जरिए आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये दूसरा तरीका आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, मतलब ये है कि आपको अगर आपके परिवार के अंदर किसी का भी आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो आपकी जो नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर है वो आप पता कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, तो वहाँ आपको उनका पता चल जाएगा कि आपके एरिया के आसपास का कौन सा जो है इनरोलमेंट सेंटर है, ठीक है। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पर जो है कुछ लोग होते हैं इंट्रोड्यूसर के रूप में, उनकी आप मदद लीजिए, वो रजिस्ट्रार इंट्रोड्यूसर को नोटिफाई करता है, ठीक है, और नोटिफाई करने के बाद फिर आपका जो आधार की जो भी आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो आपको वहाँ पता नहीं होंगी, ठीक है, जो भी आपको आपका एड्रेस है, आपके नाम है, जो भी कुछ है आपको वहाँ पर बताना होगा, और उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड इसमें बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आधार कार्ड आपका नहीं बन पाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये दो स्टेप जरूर अपनाने पड़ेंगे। तो इन दोनों स्टेपों को आप अपनाइए, और अपनाने के बाद आपको अगर लगता है कि इसमें आपको कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो अगली वीडियो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है, जो मेरा कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिखिए, तो आपको मैं इसका तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से जो है आधार कार्ड का फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जो भी इसे इन दो स्टेप्स को जो है अपना कर देखिए, अगर आपका आधार कार्ड फिर भी नहीं बन पाता है तो आप मुझे अपना एक अपने क्वेश्चन जो हैं कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उस पर जो भी आगे एक वीडियो बनाना होगा मैं आपको बना के भेज दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी मदद मिल पाएगी, ठीक है। अभी इससे अगर आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।